सब्सक्राइब करें मेरो पहाड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा परोला से और दिल्ली तक का सफ़र, यानी कि नोएडा। हम प्रॉपर दिल्ली नहीं गए हैं क्योंकि उदय भाई पीछे रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, नोएडा 75 में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, रात को हम लेट ही पहुँचे थे, तो रात को प्लान बनाया हमने कि दिल्ली आ ही गए हैं तो थोड़ा आगे भी चल लेते हैं। तो हमारा प्लान बना है घूमने का आगे, तो हम जा रहे हैं आगरा। तो हमने कैब तो बुक कर ली है, तो आने वाली है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, मैं भी टेरेस पे हूँ और ये आसपास का दृश्य आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ऊँची ऊँची बिल्डिंगें दिखाई देंगी। और जो ये सामने आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, इसका जो फ्लोर है इसमें शायद 65 और 70 के समथिंग इस पर फ्लोर हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप ऊँची ऊँची बिल्डिंगें दिखाई देंगी। फ्रेंड्स, अभी जो फ़िलहाल उदय भाई और मुक्की भाई जो हैं अभी रेडी हो रहे होंगे। दूर दूर तक काफ़ी धुंध लगी हुई है, बिल्डिंगें तो काफ़ी ऊँची ऊँची है यहाँ पे, और ये आप देख पा रहे होंगे मतलब पॉल्यूशन तो बहुत है नोएडा में। अब नोएडा में इतना है तो दिल्ली में तो कितना होगा। देश की राजधानी हमारी दिल्ली, वहाँ का ये हाल आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम हो चुके हैं रेडी और निकल गए रूम से। फ्रेंड्स, फिलहाल हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो चुका है। अभी 7:15 बजे हम यहाँ नोएडा से निकले हैं, तो देखते हैं कितने बजे तक हम आगरा पहुँचते हैं। शायद 4 से 5 घंटे का रास्ता है ये। फाइनली हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आगरा शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम गाड़ी में सीएनजी डलवा रहे हैं क्योंकि सीएनजी ख़त्म हो गई है। और हमारे उदय भाई, कैसा लग रहा सर आपको आगरा पहुँच के? इतना एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और फ्रेंड्स करीबन हम अभी 12-13 किलोमीटर में बाद पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। और जरा मुक्की भाई से जानते हैं कि मुक्की भाई को आगरा शहर में प्रवेश करें कैसा लग रहा है? ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हाँ, प्यार का लग रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। सोचे हैं अभी आए हैं अकेले, फिर किसी को लेके आएंगे तो पहले देख लेते हैं ग्राउंड कैसा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ से 12-13 किलोमीटर ताजमहल है, तो अभी सीएनजी डलवा के फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वहीं मिलते हैं आपको, तब तक के लिए एंजॉय करें आप। फाइनली हम आगरा पहुंच चुके हैं और अभी हमने यहाँ से गार्ड को किया है क्योंकि अगर आप गार्ड करेंगे तो आप अच्छे से घुमाएंगे आपको चारों तरफ का एरिया। और फिलहाल अभी लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर टिकट चेक होते हैं। टिकट आपको यहाँ से ऑनलाइन लेना होता है क्योंकि ऑफलाइन टिकट कोविड की वजह से बंद करा हुआ है। और फ्रेंड्स, आगे हमारे गाइड खड़े हैं और पीछे हमारे भाई। अभी एंट्रेंस के बाद आपको दिखाते हैं आगरा का ताजमहल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। फाइनली हमारी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये है आगरा का ताजमहल, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डाल दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप हमारे साथ एंजॉय करें और
काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग थी हमारी यहाँ आने की, तो आखिरकार आज पूरी हो चुकी है। और आप इस साइड को देख रहे होंगे, ये है माँ यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, और इसी के नदी किनारे ये ताजमहल बना हुआ है। उस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिक कमर वगैरह नहीं था, तो इनमें ही पानी भरा जाता था, ये नहर बनी हुई जैसे बन चारों दिशा। समय हो चुका है जाने का, चलते हैं अब एग्जिट करते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना खूबसूरत सी इमारत है, सातवां अजूबा कहा जाता है इसको भारत का। चलते हैं एग्जिट की तरफ। फ्रेंड्स हमें तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो आप भी ज़रूर आएँ सातों अजूबा देखने भारत का। तो हमने करीबन 2-2.5 घंटे में पूरा ताज घूम लिया। और लेकिन दें किसको इसको, इसमें क्या रख सकते हैं हम पहले जैसे। फ्रेंड्स फिलहाल हम आगरा से भी निकल चुके हैं, सुबह निकले थे हम 7 बजे करीबन, हमने नाश्ता भी नहीं किया था। फिलहाल तो अभी हम खाना ढूंढ रहे हैं, खाना हमें कहाँ अच्छा मिले। और मुकी भाई थोड़ा बताएंगे कि आपको कैसा लगा आगरा में आज? मजा आ गया दोस्तों, थोड़ा टाइम कम लगा हमें, हमारे अकॉर्डिंग एक पूरा दिन अगर मिल जाता सुबह से शाम तक तो शायद हम थोड़ा सा अच्छा सा एंजॉय कर पाते, पिक्स भी थोड़ा सा अच्छी आ जाती। ठीक है, बढ़िया है, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से हम एक घूम के आए हैं, खुशी है इस बात की। फिलहाल तो अभी भूख लग रही है, फिलहाल खाना ढूंढ दोस्तों। हमें एक ढाबा मिल चुका है श्री बांके बिहारी, काफ़ी दूरी तय करने के बाद हमें मिला है, तो फिलहाल अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, जो कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि कही जाती है, और सुना तो यही है भाई। तो ये है वृंदावन का जो है एंट्रेंस। फ्रेंड्स वृंदावन में हम प्रवेश कर चुके हैं, और देखते हैं समय और हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ मंदिरों के दर्शन यहाँ से हो जाए, क्योंकि वृंदावन में जो है मंदिर की खान है, इसको कहेंगे कि एक से एक मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। नहीं नहीं, तो फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से मंदिर हम कवर कर पाते हैं, तो आपको भी दर्शन कराएंगे। और ड्राइवर भाई हमारे सपोर्ट करते हैं, और अगर आपको भी वृंदावन मतलब दिल्ली या नोएडा से कहीं भी जाना है, भाई जी का नंबर आप इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको पूरा वृंदावन से लेकर आगरा वगैरह वगैरह जो भी है आस पास जितने भी क्षेत्र हैं आपको आसानी से घुमा देंगे, और बहुत ही कम प्राइस में, ज़्यादा आपको ऐसा नहीं समझेंगे कि लूटेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं जरा भाई जी वृंदावन कौन से मंदिर में ले जाते हैं। ये मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। कौन सा मंदिर है सर ये? गोविंद देव मंदिर। तो मंदिर कौन से जाना है हम अभी? अब कौन सा मंदिर जाना है? अब चलेंगे आप लोग मधुबन, मधुबन मंदिर जहाँ राजशिला कात्यायनी भगवान। फ्रेंड्स अभी हम जाने वाला हूँ मधुबन मंदिर, जहाँ पर कि कृष्ण भगवान जी रासलीला करते थे, तो दिखाते हैं क्या कुछ खास है वहाँ पे।
आप बने रहें हमारे साथ, आप एंजॉय करें, थोड़ा समय कम है, नहीं तो आपको पूरा वृंदावन दिखा दें। और जिसको बोला जाता है वैकुंठ धाम, वैकुंठ द्वार। वृंदावन धारने के लिए फ्रेंड्स, अभी हम आगरा वृंदावन मथुरा से होते हुए अभी रूम पे पहुंचे हैं। तो भाई से जानेंगे कि आपको कैसा लगा आज सफर में? काफ़ी अच्छा था, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया आज, और फिर भाई लोगों के साथ काफ़ी टाइम बाद आउटिंग का मौका मिला है। केदारनाथ ट्रैक के बाद वो फिर अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, यहाँ में थोड़ा अलग था क्योंकि हमने खुद कुछ नहीं करना था, हमने सिर्फ गाड़ी में बैठे थे और आसपास एंजॉय करना था। और कैसा लगा भाई जी? परफेक्ट, मस्त लगा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो फिलहाल तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अभी तो खाना वाना खाते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कल देखते हैं कल कहाँ का प्लान हमारा बनता है। तब तक के लिए बाय।